नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम इस चैनल में जिसका नाम है टाइम मैथड्स। आज हम सीखने जा रहे हैं कि इन्वेंट्री हम कैसे बनाते हैं, उसके ग्रुप कैसे मेंटेन रखते हैं और कैसे उसके यूनिट्स बनाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही करेंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जब अब आप आइटम बनाओगे तो आपको सबसे पहले आइटम बनाने के लिए आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो के बाद आपके पास यहाँ पर स्टॉक ग्रुप है। स्टॉक ग्रुप के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं बट यहाँ पे भी करेंगे। और फिर दूसरा है स्टॉक आइटम्स है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जो हमारा वाउचर टाइप है, कॉपी, एलोकेशन डिटेल्स, टैक्स रेट, इसको हम बाद में सीखेंगे जब हम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड मतलब कि जब हम परचेस करेंगे, पेमेंट, सेल्स, रिसीव, पेमेंट, ये सब हम करेंगे तो इन तीनों चारों का ऑप्शन हम आगे सीखेंगे। तो हमें भी सीधा जो फोकस रहेगा आइटम बनाने में, हम आइटम को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, उनके ग्रुप कैसे मेंटेन रख सकते हैं और उनके स्टॉक कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम किसी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं। अब देखिए ग्रुप होता क्या है। अब एक्चुअली क्या होता है, ग्रुप होता है वो चीज़ है जो सेम नेचर से बिलोंग करते हैं, जो एक ही सेम ग्रुप सेम कैटेगरी के होते हैं। अब जैसे आप शैम्पू लेने जाओगे तो जो शैम्पू है, एक शैम्पू नाम ग्रुप है। अब उस शैम्पू के अंदर कितने ब्रांड आते हैं। अब जैसे हेड एंड शोल्डर है, पैंटीन है और सनसिल्क है, चिक है, बहुत सारे शैम्पू हैं। तो ये सारे आइटम हैं और जो एक शैम्पू है वो एक ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये शैम्पू भी है उसमें भी काफ़ी तरह की कैटेगरी होती है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए, ड्राई के लिए, नॉर्मल के लिए। तो ये सब चीज़ें उसकी कैटेगरी होती हैं कि आपको कौन सा ब्रांड का चाहिए और किस कैटेगरी का चाहिए। तो इस बार के हम चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है। ग्रुप पे जाइए और क्रिएट करिए। अब हमारे पास ग्रुप कौन सा है, ग्रुप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो। अगर आपको जौन सी लैंग्वेज, मतलब कि जौन सी लैंग्वेज आपको आती है और जिस लैंग्वेज से आप टैली को मेंटेन करना चाहते हो, उस टैली को यहाँ पर आप उसी लैंग्वेज से आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे मैं तो इंग्लिश यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यस नहीं होता, मैंने किया था। आप इसी में F12 करिएगा, F12 करके नीचे वाला ऑप्शन है, ठीक है, प्रोवाइड लैंग्वेज एलिस फॉर नेम, इसको नो करके चलिएगा। ठीक है, तो नेम, अब नेम पूछ रहा है, नेम वो नेम पूछ रहा है जो उस चीज का ग्रुप हो। अब जैसे मैंने डाल दिया हेयर ऑयल, ये हमारा एक ग्रुप है। ठीक है, अब जो ये ग्रुप है, अब ये ग्रुप और किसी ग्रुप के अंदर थोड़ा जाएगा, ये सिर्फ उस कैटेगरी के अंदर जा सकता है। जैसे ये कि सॉफ्ट ड्राई के लिए, सॉफ्ट हेयर के लिए, ड्राई हेयर के लिए या हर्बल कैटेगरी का, तो ये उस चीज के लिए जाएगा। बट अभी जो ये हेयर ऑयल ग्रुप बनाया है, ये इस बात का जरूर ध्यान रखेगा, जब आप ग्रुप बनाओगे तो जो वो अंडर होगा वो प्राइमरी रहेगा, उसकी फर्स्ट कैटेगरी प्राइमरी ही रहेगी। तो प्राइमरी लेना है। सूट क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट, इसके बारे में पिछली बार में लेक्चर में बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है कि जो ये ग्रुप है इसमें जो आप परचेस करोगे और सेल्स करोगे उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। ओके, यस, सेट अल्टरजिस्टी डिटेल। अब देखिए सेट अल्टरजिस्टी डिटेल, जो हेयर ऑयल है इस पे आप कितना परसेंटेज रेट सेट करना चाहते हो जीएसटी का। तो जब हम ट्रांजेक्शन करना सीखेंगे तो वहां पे हम सब बताएंगे। ठीक है, बेसिकली मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। यस यस करिएगा इसको, एंटर मार दीजिए। यहाँ पर कैटेगरी डालनी है, एचएसएन नंबर देना है और नॉन जीएसटी में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, सब बता चुका हूँ। तो इसको कर दीजिए, अभी इसको नो कर दीजिए। ठीक है, और सेव कर दीजिए। हमारे एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप और बना लेते हैं हम, शैम्पू। ठीक है, हमने शैम्पू बना लिया, ये हमेशा ग्रुप में प्राइमरी ही रखना है और जितना हो इसको 100% यस करके चलिएगा। ओके, इसको 100%। अब हम बाहर निकल जाते हैं स्केप की करके। अब बनाते हैं हम आइटम। अब देखिए आइटम क्रिएट करते हैं। अब देखिए आइटम क्या है, आइटम वो चीज़ है जो हम खरीदना जा रहे हैं, हमें किस चीज़ का चाहिए। जैसे हेयर ऑयल खरीदना है, हेयर ऑयल में हमारे पास है आंवला,
प्लस, ठीक है, ये हेयर ऑयल की एक ब्रांड है, आमला प्लस, ठीक है। ग्रुप किससे बिलोंग करता है? हेयर ऑयल से, ठीक है। तो आपको अंडर, और एक बात का जरूर ध्यान रखेगा, जो ये एलिज आ रहा है, जो ये आ रहा है एलिज, इसका मतलब होता है कि अगर आप आमला प्लस जो है आइटम है, इसको किसी दूसरे नाम से तो नहीं बोलते, अगर दूसरे नाम से बोलते हैं तो उसको हम डाल सकते हैं, जैसे एपी, हम मान लेते हैं कि हम जो आमला प्लस है एपी के नाम से जाना जाता है, तो आप उसका दूसरा नाम एपी भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अंडर, अंडर का मतलब होता है कि जो आपने ग्रुप बनाया है, अंडर, अंडर का दूसरा नाम ही ग्रुप होता है, जो आपने ग्रुप बनाया है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? आमला प्लस, हमारा हेयर ऑयल से बिलोंग करता है आमला प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछा है यूनिट, ठीक है, अगर आप फोकस करोगे तो ये यूनिट बाहर भी ऑप्शन में था, ठीक है, बट हम यूनिट यहीं पे बनाना सीखेंगे कि आप इनडायरेक्टली कैसे यूनिट बनाओगे। मैं बताना चाहता हूँ कि यूनिट होता क्या, ठीक है, यूनिट होता है कि जो आप आइटम खरीदना जाने जा रहे हो, उस आइटम को किस तरीके से मापा जाता है, किस तरीके से उसको मेजर किया जाता है। जैसे ऑयल है, ऑयल को लीटर में देखते हैं, बोतल में आता है, एक बोतल में आता है ना, आमला प्लस बोतल में आता है, उस बोतल में कितना लीटर ऑयल आता है, या तो आप बोतल से दिखा दीजिए, अगर आप बोतल से डीलिंग करते हैं, अगर आप खुला ऑयल बेचते हो तो आप लीटर से इसको दिखाओगे, अगर आप दूध लेने जाते हो तो आप या तो लीटर से दिखा सकते हो या किलोग्राम से दिखा सकते हो, या चीनी खरीदे जा रहे हो तो वहां पर आप किससे दिखाओगे? किलोग्राम से दिखाओगे। हर चीज का मेजरमेंट है, अगर आप कहीं कपड़ा खरीदे जा रहे हो तो वहां पर मीटर के हिसाब से खरीदते हैं, कहीं अलग अलग तरीके से थान के हिसाब से खरीदते हैं, तो जिस तरीके से वो आइटम मापा जाता है, जिस तरीके से उसकी तोला जाता है, उसी को यूनिट्स कहते हैं। अब देखिए यूनिट्स बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए यूनिट बनाने के लिए, या यूनिट बनानी हो, कोई सा भी लेजर बनाना हो, कोई सा भी मास्टर बनाना हो, उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस सी प्रेस करना, ध्यान से सुन लो, अगर कोई सी भी यूनिट बनानी हो इनडायरेक्टली, कोई सा भी लेजर, कोई सा भी मास्टर, तो अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस सी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, यहां पे आ गया है, ठीक है। जब आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, बैक बैक पीछे टाइप में जाने के लिए, तो यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, टाइप्स ऑफ यूनिट, यहाँ पे इसका मतलब होता है कंपाउंड और सिंपल। अभी हम सिंपल का यूज करेंगे, कंपाउंड हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे, ठीक है, तो सिंपल रहने दो। अब देखिए सिंबल, जो यूनिट है उसका सिंबल क्या है, तो हमने कह दिया बोटल, ठीक है, हम बोटल में करते हैं डीलिंग। फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम भी बोटल ही होता है, बट इसको थोड़ा डिफरेंस रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम नहीं होते हैं, करके देखेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है, नहीं लिया उसने, तो इसको थोड़ा डिफरेंस रखिएगा। बोटल, देखिए सिंबल का बेसिकली मतलब होता है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखाते हो आप, शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखाते हो बोटल को, मैनली हमने बोट ऐसे दिखा दिया है बोट। और फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम का मतलब होता है उसका पूरा नाम क्या है, बोटल, ठीक है, बोटल हो गया। और जो यूनिट क्वांटिटी कोड यू क्यू सी, ये अभी जीएसटी के अंदर ही आया, इससे पहले टैली में नहीं था, इसका मतलब होता है कि जो आपने सिंबल लिया है वो इन कैटेगरी में आता है या नहीं, नहीं आता है, बिलियन ऑफ यूनिट नहीं, ये आ रहा है बॉटल, ठीक है। तो जो फॉर्म, जो सिंबल है, तो आपको सिंबल भी कैसे दिखाना पड़ेगा, बी टी एल, बी टी एल का मतलब होता है बोटल्स, ठीक है, तो आपको बोटल्स लेना है। अगर आपने यहाँ पे पीसीस बनाया होता, अगर यहाँ पर आपने पीसीस बनाया होता, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीसीस ही लेने पड़ते ना, ये आप बाई डिफॉल्ट बने मिलेंगे, मैंने नहीं बनाई, ये बाई डिफॉल्ट बने मिलेंगे यू के सी के आपको। तो यहाँ पे हम सिंपल बना लेते हैं बी टी एल, पोर्टल इसका मतलब होता है, और यहाँ पे उसका पूरा नाम डाल देंगे, फॉर्मल नेम पोर्टल, और यहाँ से बी टी एल बोटल ले लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, देखिए इसका मतलब होता है कि जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे 12 रुपया है, तो 12 रुपया के बाद एक दशमलव लगता है पॉइंट, और उसके बाद दो जीरो आते हैं, है ना,
अगर आपने यहाँ पे जीरो डाला हुआ है तो वहां पर पॉइंट की वैल्यू नहीं लेगा, मतलब कि 12 पॉइंट अगर वहां पर 50 लिखा है तो वो अपने आप ही राउंड ऑफ हो जाएगा, या तो एक ऊपर हो जाएगा या कम हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर दो डाला, दो डालने से ये होगा कि अगर आपने 12.80 दिया है तो वो 12.80 ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, इसको हमेशा दो ही रखिएगा, दो या चार, दो या चार, 80% आप दो रख के चलिएगा तो आप बेनिफिट रहोगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इस डेसिमल का यूज करके भी देखेंगे, अभी तो फिलहाल ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बस यही समझ लो कि जब हम कोई वैल्यू देते हैं और वैल्यू के बाद कोई पॉइंट के बाद 80-85 होता है तो वो अगर हमें एग्जैक्टली वही लिखा चाहिए कि 12.85 ही लिखा रहे तो यहाँ पे दो लिख के चलिएगा और एंटर मार दीजिए और सेव कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोतल बन गया है और हमें पीछे भी नहीं जाना पड़ा और हमारा यहाँ पे इनडायरेक्टली तरीके से बन भी गया है। और यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, इसको मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, जब हम क्या बना रहे थे, ग्रुप बना रहे थे, वहां पे मैं बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे ही बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, अब देखिए आमला प्लस पे अगर जीएसटी एप्लीकेबल है, अगर जीएसटी अप्लाई है, अगर जीएसटी इस पे लगता है तो इस पे एप्लीकेबल करिए, ना अदरवाइज इसको नॉट एप्लीकेबल, हम एप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी, अब देखिए इसका मतलब होता है कि आप इसमें कौन सा रेट, कौन सी डिस्क्रिप्शन या कौन मतलब कि इसकी डिटेल देनी है यहाँ पर टैक्स की, यहाँ पे यस करके एंटर मार दीजिए। अब देखिए आइटम का डिस्क्रिप्शन, आइटम का डिस्क्रिप्शन है आमला प्लस, ना अगर देना चाहो तो 250 लीटर ये भी दे सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है सिर्फ आइटम की। और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एचएसएन नंबर देना, जैसे एचएसएन नंबर दे दिया, देखिए याद रखिएगा या तो उस आइटम की आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए या एचएसएन दे दीजिए, एचएसएन नंबर, अगर आप एचएसएन नंबर देकर चलोगे तो आपके लिए सही है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन दोगे तो फिर आपको एचएसएन नंबर ढूंढना पड़ेगा नेट से, तो आप एचएसएन नंबर देखोगे तो एचएसएन नंबर डाल के ही चलिएगा। ठीक है, इज नॉन जीएसटी गुड्स, इसका मतलब होता है कि जो हमारा आमला प्लस है ये नॉन जीएसटी गुड्स है, ये जीएसटी की कैटेगरी में आता ही नहीं है, अगर आता है, अगर नॉन जीएसटी गुड्स है तो इसको यस कर दीजिए, अगर ये जीएसटी गुड्स है तो इसको नो करके चलिएगा। देखिए कैलकुलेशन टाइप, इसको हम आगे सीखेंगे, अभी फिलहाल इसको वैल्यू रख के चलेगा क्योंकि थोड़ा एडवांस है, तो इसको हम थोड़ा आगे जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीखेंगे तो वहां पर हर एक चीज के बारे में सीखेंगे, तो यहाँ पे ऑन वैल्यू लेके चलिएगा। और यहाँ पर टैक्स वैलिड है, अब देखिए आमला जो प्लस है, आमला प्लस जो है एयर ऑयल, ये एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। निल रेट, निल रेट का मतलब होता है कि इस पर जीरो रेट लग रहा है, जीरो रेट की तरह ही कैटेगरी होती है निल रेट, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा। टैक्सेबल का मतलब होता है कि इस पर कोई टैक्स लगता है, ठीक है, हमने एंटर मार दिया इस पर टैक्सेबल है। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज लगता है, इसको हम जब ट्रांजेक्शन, जितने ऑप्शन में अभी छोड़ दे रहा हूँ वो सारे के सारे जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीखेंगे तो उसके बारे में सब सीखेंगे इस सारे ऑप्शन वाले को। ठीक है, अभी हम इसको नो करके चलेंगे। इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, इसका मतलब होता है कि आपको इस आइटम के खरीदने पर कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इस पे कितना परसेंट रेट रखता है, इस पे जितना परसेंट रेट रखता है आप इस पे उतना परसेंट डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया 18%, मान लो कि हमने 18% इस पे टैक्स लगता है, जैसे आप 18% और एंटर मारोगे, एंटर डाल के 18% एंटर मारोगे तो अपने आप सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% होगा। जीएसटी के बारे में हम थोड़ा आगे सीखेंगे, अभी फिलहाल हम इतना ही डाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं, सेव कर देते हैं। अब ये हमारे लिए गुड्स है क्योंकि हम इसमें डीलिंग कर रहे हैं, हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं इससे, तो गुड्स कर दिया। रेट ऑफ ड्यूटी 18% है जो हमने दिया था। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ओपनिंग बैलेंस होता है, देखिए पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस अभी तो उठ के आया होगा ओपनिंग बैलेंस, है ना, तो अगर आपका पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस तो आप डाल दीजिए, ना अदरवाइज को नो कर दीजिए। रेट मान लो कि हमने दे दिया इसको 25 रुपए पर बोतल, ठीक है, तो अगर ओपनिंग बैलेंस है तो आप ओपनिंग बैलेंस डालिए, ना अदरवाइज को नो करके चलिएगा। ठीक है, और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, अब हमने सेव कर दिया। अगर हम इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं या इसको डिलीट करना चाहते हैं इसी आइटम को, तो हमें उसके लिए आप क्या जाना पड़ेगा,
स्टॉक आइटम में ही जाना पड़ेगा, अल्टर में जाना पड़ेगा। अल्टर में जाके हम क्या देखें, दो नेम। यहाँ पे दो नेम इसलिए है क्योंकि ये तो एलिस है और ये आमला प्लस है, हम दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं, वही डिटेल मिलेगी, हम आमला प्लस में जाते हैं। ठीक है, जाने के बाद मान लो कि ये एपी हटा दो, ये हमने गलत डाल दिया गलती से, ठीक है, ये हेयर ऑयल है, और यहाँ पर हमारे गलती से बोतल की जगह हमें पीसी डालना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नई यूनिट्स बनाने के लिए ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हम जल्दी से पीसी बना लेंगे, वो सिंपली सिंपल ही रहेगा, ध्यान रखना इसका जरूर। ठीक है, यहाँ पे पीसी डाल देंगे और यहां से हमें यू की सी में पीसी लेना है, और यहाँ पे दो, हमेशा दो रखिएगा। ठीक है, और रेट हमारा मान लो कि चेंज करना, में रेट हो गया हमारा, रेट मान लो कि हमारा 12% हो गया। ठीक है, और ये डेट पूछेगा कि किस किस डेट से ये चेंज हुआ है, रिवाइज एप्लीकेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि जो आपने 18% सेट किया हुआ था वो तो सेट है, मगर जो आप नया रेट दे रहे हो वो किस डेट से दे रहे हो नया रेट, हमने कहा इसी डेट से दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 12% ये, ठीक है, हटा दो इसको, ये हमारे पास गलती हो गई थी। ठीक है, आमला प्लस हट गया, ये हमारे पास हो गई मॉडिफाई, हो गया। ठीक है, अगर हम देखेंगे उसमें जाके अंदर तो उसमें चेंजेस हो गया होगा, यहाँ पे देखिए पीसीस हो गया है, पहले बॉटल था, यहाँ पे 12% रेट हो गया, अगर अंदर जाओगे तो वहां पे 12% मिलेगा। अगर हमें इसी आइटम को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए इसी विंडो में देखोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इसी विंडो में ऑल्ट प्लस डी, डिलीट का ऑप्शन ही यही होता है, आप जिसको डिलीट करना चाहते हो ऑल्ट प्लस डी से डिलीट कर दीजिए। देखिए एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर जिसको आप डिलीट करना चाहते हो अगर वो किसी ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब कि उसकी एंट्री कहीं हो चुकी है, तो वो आइटम डिलीट नहीं होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम इसको कर देते हैं डिलीट, अब वो आइटम हो गया है डिलीट। अगर आप उस आइटम को देखना भी चाहो तो हमारे ऑप्शन में होगा ही नहीं, देखिए यहाँ पर जब तक हमारे पास कोई आइटम होगा ही नहीं तो यहाँ पे दो ऑप्शन बिहाइंड रहेंगे, मतलब कि हाइड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नए तरीके से ही आइटम बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर को हम एडवांस लेवल तक का सीखेंगे कि आइटम हम किस तरीके से, हम और अलग तरीके से आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, और उस ग्रुप के साथ उसकी कैटेगरी कैसे मेंटेन रखते हैं इस टैली में, और हम एक कंपोजिशन की अल्टर यूनिट का भी यूज करना सीखेंगे, जैसे होता है ना कि एक बॉक्स में 12 बोतल है, तो वो सारा कुछ हम एडवांस लेवल तक का नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सो गुड बाय, गुड बाय।